नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? फाइनली हो गया आज 4 जुलाई, दिन है गुरुवार का और आज हम बात कर रहे हैं आज के टॉप 10 वैकेंसीज के बारे में, यानी कि 10 बड़ी भर्तियों के बारे में। इनके फॉर्म जरूर से भर ले, ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब्स है जिसके लिए 10वीं पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा व बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, साथ ही साथ आपको जॉब लोकेशन रहने वाला है कुछ वैकेंसीज के लिए मुंबई, कुछ के लिए दिल्ली, कुछ के लिए वेस्ट बंगाल, कुछ के लिए हरियाणा, कुछ के लिए मध्य प्रदेश और कुछ के लिए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स इस वीडियो को जरूर से देखें पूरा लास्ट तक, क्योंकि इनके स्टेट में जॉब लोकेशन पड़ने वाली है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पूरे इंडिया में जॉब लोकेशन पड़ने वाली है। चलिए जानते हैं 10 वैकेंसीज के डिटेल्स वन बाय वन। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपनी वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं हमने आज के टॉप 10 वैकेंसीज के डिटेल्स डाल रखे हैं। यहाँ पर पहली वैकेंसी आई है एमडीएल के डिपार्टमेंट से, यानी कि माजागॉन डॉक लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर रीगर इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट हैं जिसके लिए टोटल वैकेंसी 366 है और सैलरी मिलती है रीगर को 17,000 से 64,360 रुपये पर मंथ, वहीं इलेक्ट्रीशियन को 13,200 रुपये से लेकर 49,910 रुपये पर मंथ। इसके लिए 8वीं पास, 10वीं पास प्लस आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। आयु सीमा 18 से 38 साल। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, सिलेक्शन बेस्ड है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट पे। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन रहेगी मुंबई, महाराष्ट्र। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट है 5 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में और एग्जाम का डेट है 31 अगस्त 2019। अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, यानी कि डीटीसी के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर बस ड्राइवर के पोस्ट हैं, 10वीं पास अप्लाई करेंगे। आयु सीमा है मैक्सिमम 50 ईयर्स। एप्लीकेशन फीस फ्री है, सिलेक्शन बेस्ड है ड्राइविंग टेस्ट पे, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है। जॉब लोकेशन रहेगी दिल्ली। अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2019 और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। अगली वैकेंसी आई है केवीआईसी के डिपार्टमेंट से, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी 119 है और सैलरी मिलती है 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक कुछ पोस्ट के लिए, वहीं कुछ पोस्ट के लिए 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ। इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बी, बीटेक, एमबीए वाले अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम आयु सीमा है 40 साल। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, सिलेक्शन बेस्ड है ऑनलाइन एग्जाम पे। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है और अप्लाई करने का डेट है इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में और आपको ऑनलाइन टेस्ट का डेट है अगस्त में पड़ने वाला है। अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है जीआरएससी के डिपार्टमेंट से, यानी कि गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर सुपरवाइजर के पोस्ट हैं जिसके लिए सैलरी मिलती है 23,800 रुपये से लेकर 83,300 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए डिप्लोमा, ग्रेजुएट दोनों अप्लाई करेंगे और आयु सीमा है मैक्सिमम 28 साल। एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपये, वहीं बाकी सबके लिए बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड है रिटर्न टेस्ट पर, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जॉब लोकेशन रहेगी वेस्ट बंगाल और ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अप्लाई करने का डेट है 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में और पेमेंट ऑफ फीस का डेट है 3 से 23 जुलाई 2019 के बीच में। और दोस्तों अगला वैकेंसी आया है IOCL के डिपार्टमेंट से, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी 129 है। सैलरी मिलती है 11,900 रुपये से लेकर 32,000 रुपये पर मंथ। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा बीएससी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से और इसके लिए आयु सीमा 18 से 26 साल। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट पे। जॉब लोकेशन रहेगी हल्दिया, वेस्ट बंगाल। अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स। अप्लाई करने का डेट है 3 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको व्हाट्सएप पे जॉब अलर्ट चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो कर रहे नंबर पे हमें एक मैसेज कर दें, हम आपको व्हाट्सएप पे जॉब अलर्ट प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है और यहाँ पर असिस्टेंट टाउन प्लानर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड मैनेजर के पोस्ट हैं। बंपर वैकेंसीज हैं। सैलरी मिलती है 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ कुछ पोस्ट के लिए, वहीं कुछ पोस्ट के लिए 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये पर मंथ। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी की डिग्री, बीटेक की डिग्री या फिर एलएलबी की डिग्री। आयु सीमा है 17 से 45 साल और एप्लीकेशन फीस है
मेल जनरल रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, ऑल फीमेल्स के लिए 125 रुपये, बाकी आपको जितने भी जातियाँ हैं उसके लिए 125 रुपये, पीएच के लिए फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन हरियाणा है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई करने का डेट है 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में, अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं हमारे चैनल पर रोजाना गिव अवे चलता है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक आसान से सवाल का जवाब देना पड़ता है। और आज का सवाल क्या है, तो दोस्तों आज का सवाल है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं जॉन्डिस, हीमोफीलिया, स्कार्वी या फिर एनीमिया। अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर जेई के पोस्ट है यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। सैलरी मिलती है 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ और इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा बी बीटेक। आयु सीमा 21 से 30 साल और एप्लीकेशन फीस है सारे कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए। सिलेक्शन बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम पे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन रहेगा मध्य प्रदेश, अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स और अप्लाई करने का डेट है 27 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ही डिपार्टमेंट से और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट हैं। सैलरी मिलती है 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए पर मंथ, इसके लिए बी बीटेक अप्लाई करेंगे। आयु सीमा 21 से 30 साल और एप्लीकेशन फीस है सारे कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए। सिलेक्शन बेस्ड है यहाँ पर गेट स्कोर पे, अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन एमपी है और ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट है 20 जुलाई 2019 लास्ट डेट और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट हैं। इसके लिए सैलरी मिलती है 20,000 रुपये प्रति माह और इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर बीकॉम की डिग्री। आयु सीमा स्पेसिफाइड नहीं है, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड स्किल टेस्ट इंटरव्यू पे, अप्लाई मोड ऑफलाइन है, जॉब लोकेशन रहेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स। अप्लाई करने का डेट है, इंटरव्यू का डेट है 20 जुलाई 2019 और वेन्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है बेल के डिपार्टमेंट से यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डिप्टी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं जिसके लिए सैलरी मिलती है डिप्टी इंजीनियर्स को 40 से 1,40,000 रुपये पर मंथ, वहीं सीनियर इंजीनियर को 50 से 1,60,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है बी बीटेक की डिग्री और आयु सीमा है डिप्टी इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 32 साल, वहीं सीनियर इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 36 साल। अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू पे, अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 जुलाई, अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई 10 वैकेंसीज के डिटेल्स, इनको अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम मिलते हैं कल सुबह 8 बजे कुछ नई वैकेंसीज के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।